मैं प्रैक्टिस कर लूंगा जब तक तुम बोलोगे। पपीता पीला पीला पीतल की पपीती में टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। ऊंचा कुछ ऊंची और कुछ ऊंची। और धमाकेदार वीडियो में आज की वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा मस्ती भरी और फन भरी होने वाली है, और इसके साथ साथ दिमाग का यूज भी होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कुछ इस तरह के वाक्य होते हैं जो एक साथ में बार बार नहीं कहे जाते, तो उन्हीं वाक्यों को यहाँ आज दोहराने की कोशिश करेंगे। और हमारी पूरी की पूरी टीम तैयार है और इसमें काफी सारा मजा आएगा और कई तरह की चीजों को करके देखेंगे, जैसे अपना मजा आता है और कितना आप लोगों को जैसा भी लगे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके चेहरे पर जरा सी मुस्कान आए तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले इंट्रोड्यूस कराया था अपनी टीम मेंबर से, तो यहाँ पर आपके सामने है मोनू पंडित और यहाँ पर है भाई प्रशांत पंडित और ये दिलजीत है, वैसे भीम भाई है, झूठ बोलता है दिलजीत ना। दिलजीत और ये कुल्ली भाई हमारे, तो कुल्ली भाई सभी लोगों को सभी लोग तैयार हो? बिल्कुल भाई। तो सबसे पहले काम के लिए स्टार्टिंग यहाँ से होगी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज और सबसे आसान है उसके लिए सबसे पहले आए भीम भाई, और भीम भाई के बाद नंबर आएगा प्रशांत भाई का, फिर कुलवीर भाई का, और सबसे लास्ट में मोनू भाई जो सबसे पीछे हो गए क्योंकि इन्होंने बोला कि इतने वहां से नंबर चल के आएगा तो मैं तैयारी कर लूंगा इस चीज की। तो भीम भाई आपको बोलना है एक एक साथ में तीन बार बोलना है, उससे ज्यादा नहीं, और बोलना क्या है वो मैं आपको एक बार बताऊंगा, उसके बाद तीन बार आपको रिपीट करना है उस चीज को। तो बोलने का जो सेंटेंस है वो ये है, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, ये तीन बार रिपीट करना, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पीतल की पतीली में रिपीट आगे आगे आगे, तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पपीती में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। ओके, तो भीम भाई ने टास्क कंप्लीट कर दिया, और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं ये सबसे आसान वाला टास्क था। तो अब बारी आती है प्रशांत भाई की, आपको दोबारा बताना पड़ेगा या याद है? ना याद है भाई बिल्कुल। तो प्रशांत भाई बोलिए, कैमरा के सामने थोड़ा आगे आ जाइए जो आवाज अच्छे से रिकॉर्ड हो, और हंसने के लिए सभी लोग तैयार रहना, और आप लोगों से भी कहूंगा आप लोग भी तैयार रहना हंसने के लिए। तो स्टार्ट प्रशांत भाई। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। भाई वेल डन, वेल डन, गुड गुड। तो ये हमारे प्रशांत भाई की पतली जवान है, तो इस वजह से एक बार में कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे कुल्ली भाई की। कुल्ली भाई आगे स्टार्ट। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पपीती में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। डन। और कुल्ली भाई ने यहाँ पे सेकंड चांस में कंप्लीट कर दिया, हमारे मोनू भाई से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोनू भाई से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मोनू भाई एक बार कैमरा के सामने आइए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। एक बार में डन। तो प्रशांत भाई और मोनू भाई मतलब इसका मतलब है कि पंडित ज्यादा तेज है, दोनों पंडित ज्यादा खीर खाते हैं, तो इस वजह से दोनों ज्यादा तेज है। तो इसके बाद एक वॉलंटियर और है, उनका मैं लेना चाहूंगा। तो हमारे जो कैमरा मैन है फिलहाल चमन भाई, तो चमन प्रधान जी आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्या कह रहा है भाई पहले ये बताओ। बोलना है कि पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पपीती अगेन अगेन पतीली कहाँ गई, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। ओके डन, तालियां हो जाए। तीसरे राउंड में मिलते हैं। तो दोस्तों अब जो सेंटेंस है वो काफी मजेदार है और थोड़ा फनी भी, और थोड़ा घिनौना है, गंदा कह सकते हो आप लोग।
उस टाइप का भी है, परंतु है क्योंकि इसमें दिमाग का यूज होता है, तो इस वजह से इसको भी बोलवाने की कोशिश करेंगे भीम भाई के साथ। तो एक बार मैं भीम भाई को सेंटेंस बता देता हूँ। तो भीम भाई सेंटेंस है, टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। इसको तीन बार बोलना आपको और एक साथ बोलना, बीच में गैप नहीं देना। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। नहीं भाई, यहाँ पे आपने चीटिंग किया दोनों। मैंने आपको बोला था बीच में गैप नहीं देना है। तो ये आपको जल्दी जल्दी बोलना है। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। वेरी गुड, वेल डन। तो यहाँ पे हमारे भीम भाई जीत चुके हैं इस चीज को, क्योंकि इन्होंने एक बार में भी कंप्लीट कर दिया था और दोबारा में भी इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद बारी आती है प्रशांत भाई की। तो प्रशांत भाई, आपका समय स्टार्ट होता है अब। बिल्कुल भाई। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। बाय बाय। पतली खीर, खीर खीर का सर, ये खीर का सर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, पंडित ज्यादा खीर खाते हैं तो ज्यादा मीठा खाते हैं, तो इस वजह से इनकी जीभ काफी पतली है। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। वेल डन। तो इस बार जो कुल्ली भाई है उन्होंने भी कंप्लीट कर दिया, और मेरे ख्याल से ये जो दूसरा वाला है ये काफी आसान था, या फिर इनको प्रैक्टिस ज्यादा हो गई इस चीज की। उसके बाद अब मोनू भाई की बारी है। मोनू भाई, कम ऑन द स्टेज एंड स्टार्ट नाउ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। टट्टी जाके खाना खाओ, खाना खा के टट्टी जाओ। वेल डन। और अब जो तीसरा मैं पूछने वाला हूँ, जो तीसरा सेंटेंस है वो काफी कठिन है, क्योंकि मुझको बोलने में भी उसको दिक्कत होती है। तो इन लोगों का मैं पक्का बता रहा हूँ, एक बार में इनमें से कोई भी नहीं बोल पाएगा, चाहे वो पंडित है कितनी खीर खाता हो, या वो जाट है कितनी दाढ़ी मूंछ बढ़ा रखी हो। तो यहाँ पे उस सेंटेंस को मैं बताना चाहूंगा पहले भीम भाई को, क्योंकि भीम भाई को डर नहीं लगता, उन्होंने कहा सबसे पहले मैं करूंगा। तो भीम भाई, आप सेंटेंस को सुनने के लिए तैयार हो? तो सेंटेंस है यहाँ पे, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची। इसको तीन बार बोलना आपको। मतलब समझ में ही नहीं आया। ऊंट ऊंट होता कैमल, कुछ तो कैमल मतलब ऊंट ऊंचा और कुछ उसकी पूछ ऊंची और कुछ ऊंचे ऊंट की पूछ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ ऊंट की पूछ ऊंची, कुछ ऊंटे। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये सेंटेंस काफी कठिन है, तो इस वजह से यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई है। परंतु यहाँ पे मुझको लगता है जो पंडित जी है वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं अंदर ही अंदर, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं भाई साहब, एक बार फिर से बताता हूँ। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची और कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। अगेन अगेन अगेन। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंटे ऊंच की पूंछ। भाई साहब फिर कट जाएगी भाई। मैं तो दोस्तों यहाँ पे भीम भाई से सल नहीं पड़ रही है, तो भीम भाई को साइड में करते हैं हंसने के लिए। और उसके बाद बारी आती है पंडित जी की, प्रशांत पंडित जी की। आपको सेंटेंस तो याद है, तो आप एक बार और बता सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, इतनी बार नहीं, आपने दो बार तीन बार सुन लिया है, साथ में सुनते रहो। तो यूर टाइम स्टार्ट नाउ, बोलो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंटे ऊंच की पूंछ ऊंची। ऊंटे ऊंच की नहीं, ऊंटे ऊंचे ऊंट की पूंछ। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था सर, यहाँ पे खीर का सर फेल हो गया। एक बार और चांस देते हैं अपने प्रशांत भाई को। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंटे ऊंच की पूंछ ऊंची। ऊंटे अगेन अगेन अगेन। ये दिमाग को हिला देने वाले सेंटेंस आप लोगों से कहूंगा, अगर आप लोग इसको बोल पाते हो तो अपना वीडियो बना के शेयर जरूर करें हमारे चैनल पे लिंक। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची,
कुछ ऊँटे ऊँच की पूँछ ऊँची। ऊँटे नहीं है वो, ऊँचे ऊँचे ऊँट की पूँछ ऊँची। अगेन अगेन अगेन। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँटे ऊँचे ऊँट की पूँछ ऊँची। तो यहाँ पर प्रशांत भाई भी फेल हो चुके हैं। उसके बाद बारी आती है मोनू भाई। नहीं 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 भाई, कौन से सबको करनी है? अगेन अगेन पुली भाई, योर टाइम स्टार्ट नाउ। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँटे ऊँच की पूँछ। एक मिनट कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँटे ऊँच की पूँछ ऊँची। ऊँटे ऊँच ऊँच और पूँछ। ओके दिस मेन थिंग तो भाई जी चूची कुछ ये यहाँ पे समर्थन देते हुए। और इसके बाद आती है पुली भाई की बारी। पुली भाई फ्रंट ऑन द कैमरा, और आपको सेंटेंस पता है या नहीं? नहीं पता तो आपको बताता हूँ। तो सेंटेंस में एक बार फिर से बताऊं पुली भाई, क्योंकि वहाँ पे उनका फोन आ गया था तो बातें कर रहे थे वहाँ। तो सेंटेंस कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पूँछ ऊँची, ये तीन बार कहना है। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ उसकी पूँछ ऊँची और कुछ ऊँच ऊँटा। देखा देखो भाई, जब ही तो ऊँट दिमाग की दही आएगी। कुछ ऊँट ऊँचा ना, कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पूँछ ऊँची। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँचे ऊँट की पूँछ ऊँची। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पूँछ ऊँची। सही है भाई। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पूँछ ऊँची। यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, सभी में जो कुल्ली भाई है उन्होंने तीन बार सही बोला है। वो थोड़ा टाइम ले लिया था, परंतु वो मैटर नहीं करता क्योंकि इन सभी में से कुल्ली भाई इज द विनर। एक बार अब इसके बाद आते हैं कैमरामैन की बारी, क्योंकि लास्ट वाले सेंटेंस में ले लेते हैं। चमन बिठा लियो। हाँ हाँ कुछ कुछ ऊँट ऊँचा कुछ उसकी पूँछ ऊँची। ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ उसकी पूँछ ऊँची। नेक्स्ट टाइम एक और, जबकि आप चार पांच होंगे तो रिपीट। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ उसकी पूँछ उसकी ऊँचे ऊँट की पूँछ ऊँची। कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूँछ ऊँची, कुछ उसके तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बाकी जो आज की वीडियो में मस्ती भर भर के है, जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख देना, क्योंकि यही एक साधन होता है जिसकी वजह से एक क्रिएटर और ऑडियंस जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।